ये बंदिश आजकल इस्तेमाल किया जाता है, और आमिलीन से पहले मैं माजरत कर लेता हूं, इस 1500 साल के अंदर ये लफ्ज आप नहीं सुनेंगे। ये जदीद ईजाद है, ये बंदिश करवा दी गई है। शरई लिहाज से बंदिश का कोई तसव्वुर नहीं है। मैं बारहा इस पे कलाम कर चुका हूं कि इस तरह लोगों को गुमराह करना बिल्कुल शरण जायज नहीं है। मैं इस क्वेश्चन ये करता हूं कि ये बताइए कि बंदिश का क्या मतलब है। अगर आप कहते हैं कि जी रिश्तों में बंदिश है, औलाद पैदा होने में बंदिश है, नौकरी में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो आपको कारोबार चलाना चाहता है लेकिन इसने बंदिश कायम कर दी, अल्लाह तआला तो औलाद देना चाहता है लेकिन इसने बंदिश कर दी, अल्लाह तआला तो रिश्ता करवाना चाहता है इसने बंदिश कर दी? अगर ये वाकई तस्वुर है तो ये तो कुफ्र है, क्योंकि कौन है जो अल्लाह तआला के फैसलों को रोक दे या अल्लाह ताला के फैसलों को बदल दे? इसका मतलब यह है कि आप ये बंदिश का लफ्ज कहकर यह साबित करना चाहते हैं कि कोई जादूगर या आमिल अल्लाह ताला से भी ज्यादा ताकतवर है कि अल्लाह ताला किसी को औलाद देना चाहता है और वो उसको रोक देता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अल्लाह से भी ताकतवर है और ये अकीदा कुफ्र है। और अगर आपके नजदीक बंदिश का यह तस्वुर है कि अल्लाह ताला किसी को औलाद से महरूम रखना चाहता है मसलन 3 साल तक, और इसने भी जादू करवा दिया कि 3 साल तक इसकी औलाद ना हो और नहीं हो रही, ये बंदिश है, तो फिर इसमें बंदिश कहने की जरूरत ही क्या है? ये तो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है। ये क्यों नहीं कहते कि जी ये कोई बंदिश बंदिश नहीं होती है, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। अगर किसी की शादी में देर है, मेरे रब की मर्जी है। किसी की औलाद नहीं हो रही, ये मेरे रब की मर्जी से है। कौन है जो अल्लाह ताला के फैसले को बदले? ला तब्दील अली कलीमातिल्ला, ला मुबद्दिल अली कलीमातिल्ला। अल्लाह ताला के कलीमात तब्दील नहीं होते, अल्लाह ताला के कलीमात को बदलने वाला कोई नहीं है। लिहाजा इस किस्म के तसव्वुरात कायम करके लोगों के लिए उन आस्थानों पर और उन जादूगरों के पास जाने के रास्ते खोल देना कि जो इज्जतें भी लूट रहे हैं, पैसा भी लूट रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर जवाब देते हैं तो सबके सब आप ही के पास आएंगे। लोग लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस किस्म के प्रोग्राम देखने के बाद इस किस्म के जाली लोगों के हाथों में लुट रहे हैं मुसलसल, और इसका जिम्मेदार वो शख्स भी है जो मुकम्मल शरई तालीम के बगैर इस तरीके से जवाब दे तो वो काबिले गरीफ है। लिहाजा बंदिश का कोई तस्वुर नहीं है भाईजान। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सिर्फ एक अकीदा रखते थे, अगर उनको कोई किसी चीज के रुकावट महसूस होती वो कहते मेरे रब की मर्जी है, हम अपने रब की रजा पर राजी हैं। तो वो इत्मीनान रहता था, कल्ब भी मुतमईन, जहन भी पुरसकून, ईमान भी मजबूत। आज हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए कि अल्लाह ताला की आजमाइश का तस्वुर खत्म, अल्लाह ताला से उम्मीदें माजल्ला मुनकते होते हमने देखी हैं, आमिलों से उम्मीदें लगा बैठे कि ये आमिल करेगा जो कुछ करेगा, औलाद यही देगा, रिश्ता यही करवाएगा, कारोबार यही चलवाएगा। बोलते हैं यार अल्लाह से तो दुआएं कर करके थक गए माजल्ला, अब कौन है जी? ये बाबा है। अरे बाबा, ये बाबा बेचारा क्या करेगा बाबा? ये अगर कुछ कर सकता होता तो यहां क्यों बैठा होता? आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते? ये तो बादशाह बना होता अगर हर चीज को अपनी मर्जी के मुआफिक करने पे कुदरत रखता, जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं और दीवारों और पोस्टर्स पे इन्होंने लिखवाया हुआ है, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे इस वक्त पूरे मुल्क के, और सुपर पावर बन जाने चाहिए थे, क्योंकि अपने तावीजात इस्तेमाल करते, अपने ऊपर दम करते और पहुंच जाते आसमानों पर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके पैसों का मोहताज शख्स बैठा हुआ है और आप उसी के कदमों में गिरकर अल्लाह ताला को फरामोश करके और अपने ईमान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल कतन गैर मुनासिब है। कोई रुकावट का तस्वुर नहीं है। याद रखें, अल्लाह ताला फाइल हकीकी है, उसने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि हमारी मर्जी के मुआफिक हर चीज हमें मिल जाए, बल्कि उसने इसलिए भेजा है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने पर गोया के मजबूर करेगा और हमें अपने रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। उसने जो हमारे हक में फैसला किया है हमने उसको कबूल करना है, इसी का बदला आखरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। जब इंसान अल्लाह की रजा पर राजी ना रहे बल्कि उसकी तमन्ना ये हो जाए कि अल्लाह ताला मेरी मर्जी के मुताबिक चले, और फिर वो दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करे कि यहां जो कुछ मैं चाहूं मुझे मिल जाए, बस यही उसकी मेजर मिस्टेक है। और उसने गोया कि ना अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों को समझा, ना दुनिया में आमद के मकसद को समझा, तो वो तबाह बर्बाद होगा। हमारा काम समझाना था। मुझे पता है कि ये बातें हर एक की समझ में नहीं आती हैं। आप लाख समझा लें, इन औरतों ने इस किस्म के जाली बाबाओं के आस्थानों को आबाद कर रखा है, वहां जाती हैं, अपनी इज्जतें भी दांव पे लगाती हैं, शोहरों का पैसा खर्च करती हैं, और फिर मिलता क्या है? ठेंगा बाज़ोकात वही चीज मिलती है कि जो अल्लाह ताला ने देनी है। तो इसलिए ईमान को मजबूत रखें, अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रखें, इंशाल्लाह सब कुछ हासिल होगा।